मेरे प्रिय मित्रों, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुन सकते हैं और सुनने के लिए हम लोग आतुर हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको विभिन्न चैनलों के द्वारा इसी तरह प्रभु के पवित्र वचन दिया जाता है और बड़ी चाव से हजारों की संख्या में लोग इस तरह के कार्यक्रमों को देखते हैं। ये अनुग्रह की बात है, कृपा की बात है। और मैं सोचता हूँ कि इन पवित्र वचनों को सुनने से आपके परिवार में भी प्रभु की कृपाएं प्रकट हो रही हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं सोचता हूँ कि एक विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ी खुशी का दिन आज है, ईस्टर का दिन, प्रभु के पुनरुत्थान का दिन, पास्का त्यौहार का दिन। कल रात को संसार भर में हजारों गिरजाघरों में लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने मोमबत्तियाँ जलाकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का त्यौहार मनाया होगा और आपने भी मनाया होगा। तो हमारे लिए अनुग्रह का दिन है, कृपा का दिन है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इसके लिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक दो पल प्रभु को याद कीजिए, पुनर्जीवित यीशु को याद कीजिए। सुसमाचार में पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 20 में कि प्रभु यीशु के शिष्य डर के मारे बंद कमरे में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर उस बंद कमरे में प्रवेश किए और सभी शिष्य जिनके अंदर डर छा गया था आनंद से भर गए। इस वक्त वही प्रभु यीशु हमारे घरों में आए और हमारे जीवन में आए, हमारे बंद जीवन में, हमारे बंद घरों में, हमारे बंद परिवारों में आ जाएं और हमें भी आनंद का वरदान दें। इसके लिए समय प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आंखें खोलिए मेरे प्रिय मित्रों। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज क्या है? सबसे डरावनी चीज सोचिए, सबसे डरावनी चीज क्या है? मैं लोगों से पूछता हूं कि आप सांप से डरते हैं? लोग बोलते हैं जरूर। क्यों? क्योंकि सांप काटते हैं। अरे मच्छर भी तो काटते हैं, क्यों मच्छर से नहीं डरते हैं? तो लोग बोलते हैं सांप काटेंगे ना तो हम मर जाएंगे। अच्छा, यानी आपका डर किस चीज से है? मृत्यु से। आप दुर्घटना से डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि आप मृत्यु से डरते हैं। आप रोगों से डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि आप मृत्यु से डरते हैं। आप एड्स के रोग से डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि आप मृत्यु से डरते हैं। यानी संसार में मानव जाति के लिए सबसे डरावनी चीज मृत्यु है और इस मृत्यु से बचने के लिए, कम से कम टाल देने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है? अच्छा खाना खाता है, दवा खाता है, व्यायाम करता है, मृत्यु को टालना चाहता है। मृत्यु से बच तो नहीं सकता है, लेकिन मृत्यु को टाला तो जा सकता है, टालने के लिए कोशिश करते हैं। यानी हर मनुष्य के लिए मृत्यु एक डरावनी चीज है, उससे मनुष्य डरते रहता है। कहा जाता है, कई साल पहले कहानी के तौर पे है, एक राजा को किसी ने कहा कि आप सर्प काटे जाने से मर जाएंगे। तो राजा ने सोचा कि अभी मैं क्या करूँगा, जमीन पर रहूँगा तो सर्प कहीं ना कहीं काट देगा। तो इसलिए राजा ने सोचा कि मैं नदी में रहूँगा। एक नाव बना दिया और नाव में रहने के लिए हर चीज़ का प्रबंध किया और उसमें रह रहा था। एक दिन की बात है, बाढ़ का समय था, नदी में हर तरह की चीज़ बह रही थी। एक बहुत बड़ा बेल दिखाई दिया, पका हुआ बेल, और राजा ने उसको उठा लिया और उसके अंदर मृत्यु का कारण बैठा हुआ था, एक सांप बैठा हुआ था, उसने उसको डस दिया और उसी वक्त वो मर गया। तो मनुष्य मृत्यु से डरता है। आप जानते हैं सुसमाचार में पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु पकड़े गए थे, अरेस्ट किए गए थे, बंदी बना लिए गए थे, सारे शिष्य भाग गए, यहां तक कि पेत्रुस भी भाग गया। पेत्रुस ने प्रभु से कहा था कि ये सारे लोग आपको छोड़ेंगे, लेकिन मैं आपके लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हूं, लेकिन वो भी भाग गया। क्यों भाग गए थे? क्योंकि वे भी मृत्यु से डरते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कब? जब प्रभु यीशु मृत्यु के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठकर उनके पास आए और उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना शुरू किए। वचन में लिखा हुआ है कि 40 दिन, प्रेरित में लिखा हुआ है कि 40 दिन पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को बार बार विभिन्न जगहों पर विभिन्न रूपों में दर्शन दिए। हालांकि हर दर्शन के समय हमें पढ़ने को मिलता है कि शिष्यों में एक प्रकार का शक था, संदेह था, लेकिन तब भी प्रभु ने बार बार अपने शिष्यों को दर्शन देते 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 देते
इस बात का पक्का विश्वास उनको दिलाया कि मैं मरा था लेकिन अभी मैं जिंदा हूं। यीशु के पुनरुत्थान पर जब शिष्य विश्वास करने लगे, आप जानते हैं उनके जीवन की फिलॉसफी, उनके जीवन का दर्शन ही बदल गया, उनके जीवन की शैली बदल गई। पेत्रुस जो मौत से डरता था और यीशु का को इनकार किया था, जब उसे पूछा गया कि क्या तुम भी उसके शिष्य नहीं हो, उसने तीन बार इनकार किया कि मैं उसको नहीं जानता हूं, शपथ खाकर कहता हूं। वही पेत्रुस प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद पुनर्जीवित यीशु का सामर्थ्य प्राप्त करता है और वह मरने के लिए तैयार हो जाता है। परंपरा बताती है कि पेत्रुस क्रूस पर मारा गया था। जब पेत्रुस क्रूस पर मारा जा रहा था तो पेत्रुस ने कहा कि मुझे क्रूस पर ना लटकाएं बल्कि मुझे उल्टा लटकाएं, क्योंकि मैं प्रभु के योग्य नहीं हूं, इस योग्य नहीं हूं कि जिस तरह मेरे प्रभु मरे उस तरह मरूं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का अनुभव उनको बदल दिया। प्रभु यीशु ने अलग अलग रूपों में उनको दर्शन दिया। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने अपनी कब्र के पास खड़ी होकर रोने वाली मरियम मग्दलेना को दर्शन दिया, वो आनंद से भरपूर हो गई, वो संदेश लेकर शिष्यों के पास आती है। उसी अध्याय में आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु के शिष्य जो बंद कमरे में पड़े हुए थे, डर के मारे अपने भविष्य के बारे में चिंतित थे, उत्कंठा थी, आगे क्या होगा सोच रहे थे, कैसे यहूदी नेताओं से बचें ये सोच रहे थे, पुनर्जीवित यीशु के अंदर प्रविष्ट कर गए। वचन में लिखा हुआ है कि वे आनंद से भरपूर हो गए। उनके बीच में थॉमस नहीं था, उसने विश्वास नहीं किया। अगली बार जब प्रभु ने दर्शन दिया, थॉमस ने चिल्लाकर कहा कि मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। क्या परिवर्तन आ गया। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 21 में आप पढ़ेंगे शिष्य मछली पकड़ने गए थे, रात भर मछली नहीं पकड़ पाए, सुबह के समय प्रभु के आदेश के अनुसार ढेर सारी मछलियां पकड़ते हैं और प्रभु तट पर खड़े थे, उन्होंने उनके लिए नाश्ते का प्रबंध किया और उन्होंने यीशु को पहचान लिया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 24 में आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु के दो शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस गांव की ओर जा रहे थे और वे बहुत दुखी थे, वे यीशु की मृत्यु और मृत्यु के बारे में सोच सोच कर दुखी थे और ये भी सुनकर हैरान थे कि यीशु की लाश कब्र में नहीं है। यीशु उनके साथ हो लेते हैं, उनको समझाते हैं, रोटी तोड़ते समय एमाउस के गांव में वे यीशु को परख लेते हैं, पहचान लेते हैं, वे आनंद और सामर्थ्य से भर जाते हैं, धैर्य से भर जाते हैं और वे भी जाते हैं यरूशलेम ये बताने के लिए कि यीशु जी उठे, हमने देखा, हमने अनुभव किया है। तब तक उनको ये सुनाई दिया कि यीशु जी उठे हैं, कैफस ने उसको देखा है। यीशु के शिष्यों में जो डरे हुए थे, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा इतना सामर्थ्य भर गया कि वे आनंद से भरपूर हो गए। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 उसके वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं यदि यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठे तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हम मसीहियों यीशु के शिष्यों के विश्वास की नींव है, आधार है। हम पुनर्जीवित यीशु के बारे में ही बोलते हैं। आपने सुना होगा प्रेरित चरित्र में, आपने पढ़ा होगा कि बार बार प्रभु यीशु के शिष्य सुसमाचार का प्रचार करते थे। क्या प्रचार था, क्या प्रचार था? अध्याय 2 से आप पढ़ेंगे यीशु मसीह मर गए, यीशु मसीह हमारे लिए जी उठे, यही सुसमाचार था। तो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान ने उनको आनंद से भर दिया, स्फूर्ति से भर दी, सामर्थ्य से भर दिया, उनका जीवन ही बदल गया। आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने लगेंगे, हमारा जीवन भी बदल जाएगा। जब हम लोग पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास करने लगेंगे तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उनको मृतकों में से जिलाया है तो आपको मुक्ति मिलेगी। जब हम पुनर्जीवित यीशु पर हृदय से विश्वास करने लगते हैं तो हमारे जीवन में मुक्ति का एहसास होने लगता है। चलिए हम लोग इस बात पर मनन करेंगे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा शिष्यों के जीवन में क्या परिवर्तन आया। सबसे पहले शिष्यों का डर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। वे जो यीशु के साथ चलने के लिए डर रहे थे उनका पूरा डर समाप्त हो गया और वे धैर्य से भर गए। आप पढ़ेंगे मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 में, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 में
सात युवाओं को प्रभु के नियमों के पालन के लिए मरते हुए हम पाते हैं। उनकी मां के सामने सात युवा मां डाले गए। बहुत सुंदर और हृदय स्पर्शी घटना है। लेकिन वो मां क्या करती थी, वो मां पुनरुत्थान के बारे में अपने पुत्रों को समझाते हुए ईश्वर के नियम के पालन के लिए मरने के लिए अपने पुत्रों को प्रेरणा दे रही थी। लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए मृत्यु जीवन का अंत है। यही कारण है कि लोग मृत्यु के समय बहुत रोते हैं, कलाप करते हैं। यही कारण है कि लोग मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि उनके लिए मृत्यु हानि है, समाप्ति है। लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा, अगर आप कैथोलिक हैं, आपने सुना होगा मृतकों के मिसा के दौरान एक प्रार्थना है, वहां पे लिखा हुआ है कि हमारे लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है बल्कि जीवन का विकास है। शिष्यों ने इस बात को समझ लिया और इसलिए उनका डर मिट गया और वे येसु के लिए यहां तक मरने के लिए तैयार हो गए। दूसरी बात, रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 18 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। और सुंदर वचन है, देखिए सुनिए, मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। जब पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास दृढ़ होता जाएगा, इस संसार के दुख को हम तुच्छ समझने लगेंगे। आपने संत अल्फोंसा के बारे में सुना है, आप जानते हैं संत अल्फोंसा कैसे संत बनी, आज संसार भर में अनुकरणीय और आदर के योग्य एक महान संत, दुखों के द्वारा बनी, दुखों के द्वारा वो संत बनी। 10-15 साल तक वो दुख में थी, पीड़ा के बिस्तर पर, रोग शैया पर थी, लेकिन वह इतना दुख कैसे झेल पाई। कहा जाता है कि बार बार वो प्रभु से बोला करती थी, प्रभु मुझे दुख दीजिए, और हां सचमुच प्रभु दुख देते थे। इतना दुख वो झेल कैसे पाई, क्योंकि उसने विश्वास किया कि जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। आप और मैं भी जब हम भी पुनरुत्थान पर विश्वास करने लगेंगे, पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास, हमारी धारणा मजबूत होती जाएगी, हमारे अंदर भी दुख सहने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन जो सोचता है कि मृत्यु जीवन का अंत है, उसके लिए दुख सहने की क्षमता होती ही नहीं है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर शिष्यों का विश्वास बढ़ता गया, उनके अंदर जीवन के दुख सहने के लिए और प्रभु के लिए दुख सहने के लिए ताकत भी आ गई, क्षमता भी बढ़ गई। मेरे प्रिय मित्रों, जितना आप प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते जाएंगे, उस पर मनन चिंतन करते जाएंगे, तो आपका यह विश्वास बढ़ेगा कि जिस तरह यीशु मसीह मर गए और जी उठे, उसी तरह हम भी मरने के बाद जी उठेंगे। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 वाक्य 51 और 52 में संत पौलुस कहते हैं, मैं आप सभी को एक रहस्य सुनाता हूं। वो रहस्य क्या है, हम नहीं मरेंगे। मैं आप सभी को एक रहस्य सुनाता हूं, रहस्य यह है कि हम नहीं मरेंगे, हम विश्वासी नहीं मरेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। तो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा शिष्यों को इस बात का एहसास मिला कि हम जीवित रहेंगे, हम नहीं मरेंगे। जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, यीशु पर विश्वास करता है, वो कभी नहीं मरेगा, हम अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं। तीसरी बात वो क्या है, कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। और सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिएगा, पौलुस कहते हैं, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें, आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें।
पौलुस कहते हैं यदि आप लोग यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो आपकी दृष्टि ऊपर की ओर होनी चाहिए। आज इतना ज्यादा हमारे समाज में भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा लोगों में भौतिकतावाद है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे देखते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत है, जो होना सो यहां होना है, इसीलिए वे अपने आप को इस सांसारिक रूप से धनी बनाने का प्रयास करते हैं। उनकी दृष्टि मृत्यु के परे नहीं जाती है, इसलिए यहां पे हड़प है, चोरी है, शोषण है, जमाखोरी है, घूसखोरी है, इस प्रकार के भ्रष्टाचार की अन्य बुराइयां हैं, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि धरती पर ही लगी हुई है। मनुष्य की दृष्टि ऊपर की ओर नहीं उठी हुई है। एक विश्वासी जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करता है अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर उठाता है और इस संसार में रहते हुए भी इस तरह जीता है कि वह स्वर्ग के लायक बन जाए। इस संसार में जीते हुए भी, भौतिक जीवन जीते हुए भी, वह अनंत जीवन के योग्य जीवन जीता है। हमें हर चीज की जरूरत है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, गाड़ी चाहिए, सड़क चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ये विश्वास नहीं है कि हमें इसके बाद अनंत जीवन में प्रवेश करना है, वह इसी संसार को जीवन का सब कुछ समझकर जीता है और इसीलिए वह इस संसारिक रूप से अपने आप को धनी बनाने का ही प्रयास करता है। लेकिन जो पुनरुत्थान पर विश्वास करता है वो संसार में जीते हुए भी स्वर्ग के लायक जीवन जीता है। बुद्धिमान लोग ऐसे ही काम करते हैं, बुद्धिमान लोग ऐसे ही काम करते हैं। पुनरुत्थान हमें प्रेरित करता है कि हम लोग अपनी दृष्टि ऊपर की ओर उठाएं, संसार से ऊपर की ओर उठाएं। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मेरे जीवन में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर मनन चिंतन करने के बाद बहुत परिवर्तन आ गया। सबसे पहला परिवर्तन, मेरे अंदर बहुत ज्यादा आनंद आ गया। जीवन के दुखों को सहर्ष सहने की शक्ति मिल गई। परिवार और अपने करीब के रिश्तेदार मरने पर भी ना रोने, बल्कि उनको स्वर्ग में मेरे एक मध्यस्थ के रूप में देखने के लिए कृपा मिली। मेरे पिताजी मर गए, उनके पहले मिसा बलिदान में मैंने लोगों से कहा, मुझे खुशी है कि स्वर्ग में मेरे लिए एक नया मध्यस्थ मिल गया है और वो और कोई नहीं है बल्कि मेरे पिताजी हैं। मृत्यु को एक नई दृष्टिकोण से देखने के लिए मुझे कृपा मिली। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र में अध्याय 5 में, इस तरह ना रोएं किसी की मौत पर कि मानो आपका कोई विश्वास नहीं, आपकी कोई आशा नहीं है। यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास हमारा इस संसार से लोगों से रिश्ते को बराबर करता है, सही कर देता है। इसलिए संत पौलुस तिमोथी के नाम दूसरे पत्र अध्याय 2:8 में हमसे कहते हैं, दाऊद के वंश में उत्पन्न, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। एक बार और सुन लीजिए, संत पौलुस कहते हैं, दाऊद के वंश में उत्पन्न, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। मेरे पीछे दोहराइए, दाऊद के वंश में उत्पन्न, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। किसको बराबर याद रखो? दाऊद के वंश में उत्पन्न, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। पौलुस कहते हैं, हे विश्वासियों, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। आप जानते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 4:33 में हम पढ़ते हैं कि शिष्य बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्षी देते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। क्या लिखा हुआ है? शिष्य बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। जितना हम यीशु पर विश्वास करेंगे, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे, उस पर मनन करेंगे, उसको याद करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, उतनी ज्यादा प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो आज का त्यौहार हमें प्रेरित करता है कि हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करें और पुनरुत्थान के योग्य जीवन जिए और पुनरुत्थान का प्रचार करते हुए प्रभु की कृपा का एहसास करें। आंखें मंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पुनर्जीवित यीशु,
तूने बंद कमरे में पड़े हुए शिष्यों को दुख पीड़ा दर्द भविष्य के बारे में उत्कंठा डर भय संदेह से छुटकारा दिया। हे यीशु, हम भी एक तरह से बंद कमरे में पड़े हैं, हमारे बंद कमरे में प्रवेश करे पुनर्जीवित यीशु, हमें भी आनंद प्रदान कर, हमारी अशांति को दूर करके हमें अपनी शांति प्रदान कर। हे प्यारे यीशु, इस समय तेरे इन पवित्र वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को स्पर्श कर, अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से, बुरी आदतों और पाप और बुराई के बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए। तूने मृत्यु को हराया है, हरेक के जीवन में जो मृत्यु है उन मृत्यु से उनको छुटकारा दीजिए। विशेष करके रोग शया में पड़े हुए भाई बहनों के समय स्पर्श कर यीशु, उन्हें आशा प्रदान कर, तेरे पुनरुत्थान का सामर्थ्य समय उनमें प्रवेश करें, चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए यीशु। आज के दिन संसार भर में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए, हर विश्वासी के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए, बेसहारों को सहारा मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, निसंतानों को संतान मिले। अनुग्रह पर अनुग्रह वर्षाई यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो। आंखें खोलिए प्रिय मित्रों, आज आनंद का दिन है, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठकर हमें भी आह्वान करते हैं कि जी उठो, मेरे साथ तुम भी मेरे पिता के भवन में रहोगे। जय श्री।